अगर आप बच्चा पाल नहीं सकते तो कृपया करके उसे मौत की नींद भी ना सुलाइए। उसे अस्पताल में स्थापित पालना शिशु स्वागत केंद्र में छोड़ दीजिए। कोई भी आपसे सवाल नहीं पूछेगा। सरकार की इस योजना का शायद बहुत ही कम लोगों को पता है, पर यही कारण है कि कलयुगी माँ ने इस जानकारी के अभाव में अपनी दो नवजात बच्चियों को मौत की नींद सुला दिया। आपको बता दें कि मंडी जिला के 6 अस्पतालों में ये सुविधा मौजूद है। इनमें जोनल हॉस्पिटल मंडी, सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर, सरकाघाट, जोगिंदरनगर, करसोग और जंजैली हॉस्पिटल शामिल हैं। जोनल हॉस्पिटल मंडी में ये पालना ब्लड बैंक के सामने स्थापित किया गया है। यदि आप अपने बच्चे को पालने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पर आप 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को छोड़ सकते हैं। उसको पाल नहीं सकता है उस तरह के बच्चे, 6 साल तक के बच्चों को जो है वो ऐसे पालना केंद्र में छोड़ा जा सकता है, या फिर जो चाइल्ड वेलफेयर सेंटर है उनमें जो है फिर भेजा जा सकता है उसमें। तो इस तरह का ये है, पर ये है कि जैसे बच्चा जो है अनअटेंडेड ना रहो, और कई ऐसे जैसे रिपोर्ट हुआ है अभी कि बच्चों को मार दिया, तो ऐसे अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। और ऐसे जो है बच्चों को छोड़ा जा सकता है उनको इन शिशु केंद्रों में भी, और वैसे भी डायरेक्ट जो है वो वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उनके पास भी जो है, जो माता पिता उनके पालन पोषण में असमर्थ हैं, तो उनके समक्ष जो अपना पक्ष रख सकते हैं, तो आगे की व्यवस्था जो वो करते हैं। तो इस तरह का प्रावधान है, ऐसे हमारे डिपार्टमेंट से सरकार ने जो है उचित प्रबंध भी किए हैं उनके लिए। और हो सकता है कि कई जगह जो अवेयरनेस नहीं होती है, तो इस वजह से भी कुछ कमी रह जाती है अवेयरनेस लोगों में, या पता नहीं होता इस तरह से। तो मेरा आपके माध्यम से ये है कि आगे से आगे इसके जितना प्रचार प्रसार हो सके, ताकि जो उचित सुविधा जो जिसको मिलनी चाहिए वो उसको मिल सके। जोनल हॉस्पिटल मंडी में स्थापित पालना केंद्र में 2018 से लेकर आज दिन तक 3 बच्चों को छोड़ा जा चुका है, जिन्हें बाद में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले कर दिया जाता है। बता दें कि जहां पर पालना है वहां पर बच्चे को छोड़ने के बाद साथ लगी घंटी को बजाना आवश्यक होता है। यानी कि शिशु पालना केंद्र की जो है स्थापना की गई है, ये जोनल अस्पताल मंडी में कैजुअल्टी के साथ ही और ब्लड बैंक के साथ ही ये सेंटर बनाया गया है। कोई भी दंपति जो है, यदि उनको लगता है कि कोई अनवांटेड बेबी है, उसको जो है वो यहाँ पर बेल सिस्टम है, यहाँ पर आकर के वो बेबी को शिशु पालना केंद्र में छोड़ सकते हैं और बेल बजा करके जा सकते हैं। उसके बारे में हम दंपति से कोई पूछताछ नहीं करते, परंतु जैसे ही क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर में हमें पता चलता है, तो हम उस बच्चे का जो है सूचना जो है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को भी सूचना देते हैं, और उस बच्चे को जो है मेडिकल चेकअप करा करके और जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचित करते हैं, और जो बच्चे को जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ दिए हैं उनका चेकअप करा करके और वो जो है हम सरकारी एजेंसी को सूचित करते हैं। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।